वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर ऐतिहासिक गगनमाल गार्डन के करीब जो खंडक ऐतिहासिक जो खंडक है, फिर से वहां पर एक लाश का पता चल गया है। ताकि पिछली बार कहीं साल दो साल नहीं हो गए, कुछ महीनों पहले एक ही साथ एक ही खंडक में दो लाश का पता चल गया। अब तक उसका कोई भी रहस्य अब तक मालूम नहीं हुआ। ताकि दो लाश एक जगह में मिलते हैं तो ये क्या मर्डर है या आत्महत्या है या फिर अचानक सा यहाँ पर मर गए हैं। अब तो हमने तो इस पर कई बार हमने वास्तव न्यूज में यही प्रसारण किया है। इसका नाम है मौत का कुआ। यहाँ पर इतने लाश महीनों में सालों में इतने लग जाते हैं ताकि पता ही नहीं चलता ये मर्डर है या फिर आत्महत्या है या किसी ने हत्या कर दिया है। आखिर क्यों इसी शहर में यहाँ पर ही खंडक में ही जो लाश का पता इतने लग जाते हैं ताकि गिनते गिनते गिनती भी भूल जाते हैं उतने लाश यहाँ पर मिल जाती है। आखिर संबंधित पुलिस वाले तो यहाँ पर तहकीकत पर आ जाते हैं मगर यही समझाते हैं यहाँ पर एक लाश मिल गया है। फिर कोई लाश को अगर निकालने वाला है तो उनसे निकाल कर यहाँ सीधे सीधे सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं, पोस्टमार्टम हो जाता है। ये यहाँ तक के तहकीकत करते हैं आखिर ये लाश किसका है, ये कौन है। फिर खत्म हो गई इसकी कहानी यहाँ से ही। फिर ये लाश यहाँ पर ही क्यों मिल गया और यहाँ पर ही क्यों लाशों का पता चलता। संबंधित अधिकारी ये क्यों राज छुपा कर रखे हैं, आप क्यों ये राज नहीं खोल पाते। क्योंकि यहाँ पर महीनों में ही लाश का पता चलता है तो गिनती गिनती गिनते ही तो कितने लाश यहाँ पर मिल गए। अब तक कोई भी यहाँ पर आरोप नहीं मिल पाया ताकि यहाँ पर क्यों आ गया, कैसे आ गया और यहाँ पर आकर क्यों मर गया। क्या किसी ने लाकर मारकर क्या इसी जगह पर फेंक दिया, क्या यहाँ पर अनजाने व्यक्ति को लेकर आकर क्या मारकर यहाँ पर क्या फेंक देते हैं। विजयपुर शहर के लोग यही कहते हैं यहाँ पर मारकर ही इस पर गंदे नाली में यहाँ पर फेंक देते हैं और यहाँ पर संबंधित अधिकारी इस पर तहकीकत ही नहीं करती। क्यों नहीं करती तहकीकत, आखिर कहाँ से आया ये युवक, क्यों आ गया है, इसका कोई आइडेंटिफाई होना चाहिए मगर किस लिए। नाइट्रोन में तो यहाँ पर कोई तो अधिकार यहाँ पर रहना चाहिए मगर कितने लाश मिलने के बावजूद भी आज तक कोई भी कातिल नहीं मिल पाया और संबंधित अधिकारी नहीं पकड़ पाए और यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं रख पाए। क्यों इसका तमाशा देख रहे हैं संबंधित अधिकारी, क्या इनको यहाँ पर मौत और लाश, क्या जिंदगी और मौत का खेल देखना ही क्या इनको इनका कर्तव्य है या फिर लोगों की जान बचाना क्या इनकी कर्तव्य है या फिर मौत का नजारा देखना क्या इनको शौक बन गया है। ताकि इतने लाश मिलने के बावजूद भी संबंधित अधिकारी अब तक ढूंढ नहीं पा रहे। देखेंगे एक रिपोर्ट में।